ओके सो हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आते ही सबसे पहली चिंता होती है, जो कि है जॉब की। आपको मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं नेमत का और तन्मय का। ये दोनों जो हैं, इनकी वॉलमार्ट में जॉब्स हैं, एक की कस्टमर सर्विस में है, एक की वेयर हाउस में है। तो हम दोनों जॉब प्रोफाइल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था जॉब एप्लीकेशन और हायरिंग प्रोसेस के दौरान। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो सबसे पहले हम वॉलमार्ट के बारे में नेमत से पूछते हैं। नेमत, आते ही अप्लाई कर दिया था या कुछ टाइम लगा के तैयारी तैयारी कुछ करनी पड़ी? आते ही अप्लाई कर दिया। आते ही तन्मय, आपने? मैंने भी आते ही अप्लाई कर दिया। मतलब कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती है ना, वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट की वेबसाइट पे जाओ, फटाफट अप्लाई करो। हर बार जॉब पोस्टिंग होती है, कोई खुली होती है? हाँ, कोई ना कोई जॉब पोस्टिंग तो खुली होती है। आपको कौन सी जॉब पोस्टिंग मिली थी? ओवरनाइट फुलफिलमेंट एसोसिएट की। ये आपने खुद चूज किया था या आपको मजबूरी में चूज करनी पड़ी? नहीं, मैंने उसके साथ कई चार पांच पोजीशन पे अप्लाई किया था, लेकिन मुझे इंटरव्यू कॉल जो आया वो ओवरनाइट उसके लिए आया था। ठीक है, और नेमत आपका क्या सीन था, आपने खुद चूज किया या? मेरे को एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, पर जब मैं अप्लाई करने के लिए गई, उन्होंने बोला था कि अगर आपको दूसरे कहीं पे भी अप्लाई करना है तो आप लिस्ट दे सकते हो। अच्छा, ये आपको इंटरव्यू के टाइम पता लगा था? हाँ। अच्छा, उससे पहले सिर्फ आपने कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई किया था और किसी के लिए अप्लाई नहीं किया? और कोई जॉब पोस्टिंग दिखी थी आपको वैसे? दूसरी थी, पीपल ग्रीटर थी और फुलफिलमेंट थी, पर एज अ गर्ल मैंने फुलफिलमेंट ज्यादा बेहतरीन नहीं समझा मेरे ऑप्शन के लिए, बिकॉज उसमें पूरा लोड उठाना पड़ता है और दूसरा काम रहता है। तो आपने कस्टमर एक्सपीरियंस प्रेफर किया और आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जॉब चाहिए क्योंकि, है ना, इंस्टेंटली। तो ये वॉलमार्ट उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जिनको आते ही कहीं अप्लाई करने का बस है कि फटाफट जॉब मिल जाए, है ना, क्योंकि खास तैयारी नहीं करनी पड़ती, जॉब पोस्टिंग है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट कितना है, सभी को मिल जाती है? मतलब सारे जो लोग वहाँ पे लगे हैं ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या कुछ और भी हैं? काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, काफी हैं, कुछ हैं जो कैनेडियंस भी हैं। अच्छा, तो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स के पर्सपेक्टिव से वॉलमार्ट का एक्सेप्टेंस रेट काफी ज्यादा है। अच्छा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिलेक्ट होना वो मुश्किल है, क्योंकि एप्लीकेशंस जो वॉलमार्ट में आती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आती है, क्योंकि अगर ये लोगों ने आते ही अप्लाई किया तो बहुत सारे लोगों ने आते ही डेफिनेटली अप्लाई किया होगा, बहुत लक बेस्ड रहता है। तो आपको क्या लगता है, आप दोनों इतने लकी क्यों रहे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप वेबसाइट पे गए, walmart.ca के करियर्स की वेबसाइट पे गए, आपने जॉब पोस्ट में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उन्होंने क्या करवाया आपसे? क्लिक करने के बाद हमें पूरा हमारा प्रोफाइल की डिटेल्स हमें डालनी थी, बेसिक जो हमारी पर्सनल डिटेल्स है, चलो आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब, बेसिक जो प्रोसेस था वो रेज्यूमे अपलोड करना था। व्हेन यू फिल द इंफॉर्मेशन तभी आप लोग को रेज्यूमे अपलोड कर देना होता है, और वो रेज्यूमे बहुत रिलेवेंट होना चाहिए आपकी जो पोस्टिंग है उसके साथ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस के लिए ऐसा कुछ अप्लाई किया था इस जॉब पोस्टिंग के लिए, आपने अपने रिज्यूमे में क्या मेंशन किया था? आई हैड अ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स व्हिच वाज अ पार्ट टाइम व्हेन आई वाज इन इंडिया। अच्छा, तो मतलब जब आप इंडिया में थे, आपने वहाँ पे पार्ट टाइम कस्टमर एक्सपीरियंस का कुछ था, तो आपने वो एक्सपीरियंस वहाँ पे मेंशन किया था। आपने ओवरनाइट फुलफिलमेंट के लिए कैसा एक्सपीरियंस शो किया था रिज्यूमे में? मैंने मेरे रिज्यूमे में खासकर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस जो मुझे था, जो मेरे बैचलर्स के बाद मुझे 6 महीने का जो गैप था उसमें मुझे मिला था, तो वो मैंने उसमें शो किया था। अच्छा, तो कहने का मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंसेस थे, आपके पास पार्ट टाइम था और आपके पास डिग्री के बाद के जो 6 महीने थे वो आपने अपने रिज्यूमे में शो किया। आपको क्या लगता है उस वजह से आपका रिज्यूमे फिल्टर आउट हुआ या वो पढ़ते हैं रिज्यूमे ऐसा कुछ? क्योंकि मुझे नहीं लगता जितनी अमाउंट में वहाँ पे रिज्यूमे आते हैं वो पढ़ते भी होंगे कुछ। एक्चुअली वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, सो अगर वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है तो इट इज नॉट दैट कि कोई पर्सन है जो आपका रिज्यूमे रीड कर रहा है स्पेसिफिकली एंड देन दे आर फिल्टरिंग आउट योर रिज्यूमे कि हाँ ये अच्छा रिज्यूमे है, बट इंस्टेड इट गोज विद लाइक द कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसमें अगर आपने अप्लाई किया है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए और आपका रिज्यूमे शो करता है कि आपके पास कस्टमर एक्सपीरियंस है, तो आपका रिज्यूमे अपने आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने पूछा कि कस्टमर सर्विस के लिए या वेयर हाउस का है, तो वो रिज्यूमे में से बस वो वर्ड्स डिटेक्ट करते हैं और वर्ड्स डिटेक्ट करने पर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। जैसे कैशियर की जॉब है, तो अगर आपके पास पहले कैशियर का एक्सपीरियंस है, सो इट्स बेटर कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी कैशियर के लिए। ओके, ठीक है, तो मतलब वो वर्ड्स मैच होने चाहिए रिज्यूमे में। अब देख लो भी वर्ड्स मैच कैसे करवाने हैं, आपके पास जो भी पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस या जैसा भी जॉब एक्सपीरियंस है उसमें से ढूंढो। फॉर
एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको वहां पे इंडिया में किसी शॉप पे बैठने का भी तक का एक्सपीरियंस है ना, उसको एक रेज्यूमे में पोर्ट्रे करने का तरीका होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में दुकान पे भी बैठे हो अपनी, वहां पे शो करो कि यू डेट विद कस्टमर्स, आपने उनके साथ कैश की ट्रांजेक्शन डील की है, या आपने अकाउंट संभाले हैं, या आपने दुकान को मैनेज करने में हेल्प की है या मैनेज खुद किया है, तो वो सारे एक्सपीरियंस को लिखने का एक रेज्यूमे में तरीका है जिससे वो आपका शॉर्टलिस्ट होने में आसानी हो जाए. ग्रेट. तो चलो आपको मैंने सुना असेसमेंट भरने का, आपने रिज्यूमे अपलोड किया, पर्सनल डिटेल्स लिख दी, क्लिक करोगे आप एंटर, साथ में कोई असेसमेंट वगैरह का कुछ होता है, वो कैसे आता है और क्या करना होता है उसमें? उसमें आप जैसे ही अपलोड कर दोगे आपका रिज्यूमे तो आपको एक असेसमेंट की लिंक ओपन होगी. असेसमेंट मतलब क्या? assessment कुछ आपको मतलब इंटरव्यू लेते हैं ऑनलाइन ऐसा कुछ? नहीं, वो एक क्वेश्चनर होता है, मतलब 90 क्वेश्चंस होते हैं उसमें. प्रायोरिटी बेस पे भी होते हैं क्वेश्चन, मतलब कोई एक कंडीशन कि आप सबसे पहले अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, सबसे पहले आप ये करोगे, ऐसा कुछ? नहीं, इट्स लाइक एग्री डिसएग्री होते हैं, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, बट में डिसएग्री और इन बिटवीन. अच्छा अच्छा, तो आपको सिर्फ एक सिचुएशन दी है उसमें आपका रिएक्शन जो है, जो भी वो एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, आपको वो क्लिक करना है. एग्री कर रहे हो या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो, और ऐसे 90 क्वेश्चन. और इट्स प्रेफरेबल कि आप लोग जो भी आंसर्स देते हो वो या तो स्ट्रांगली एग्री करो या तो स्ट्रांगली डिसएग्री करो, नॉट इन बिटवीन. ओके 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 ओके. तो कहने का मतलब अगर मैं सपोज वॉलमार्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो किसी सिचुएशन में रिएक्शंस के प्रति मुझे या तो स्ट्रॉन्गली एग्री होना है या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री होना है. कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूजिंग होंगे, तो आई थिंक एक दो क्वेश्चंस है जिसमें आप इन बिटवीन जा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव टू गो फॉर एग्री और डिसएग्री, बट यू हैव टू बी आइदर स्ट्रॉन्गली एग्रीइंग ऑन समथिंग और स्ट्रॉन्गली डिसएग्रीइंग ऑन समथिंग. और इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका असेसमेंट हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगी. असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट्स दिए जाते हैं, और जितना क्विकली करेंगे उतना चांसेस बढ़ जाते हैं. अच्छा, ठीक है. तो 20 मिनट से भी अगर 10 मिनट में हो रहा है तो अच्छी बात है. नहीं, बट डू यू एग्री विद दिस? स्ट्रॉन्गली एग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री? स्ट्रॉन्गली एग्री. तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि तन्मय जिस घर में रहता है उस घर में 7 लोग रह रहे हैं. 7 में से 5 लोग वॉलमार्ट में है कि नहीं? सही. तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कि 5 लोग जो हैं आपके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो 5 के 5 हायर हो गए? मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ असेसमेंट को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, तो असेसमेंट आप जितना क्विकली करोगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने में. ओके ओके ओके. तो मतलब अगर 5 मिनट में या 5-6 मिनट में आपने वो असेसमेंट कर ली जिसके लिए आपको 20 मिनट मिले थे, तो आपको चांसेस ज्यादा है इंटरव्यू आने के. ठीक है, वो ऊपर आ जाता है. पर वो आप लोग के फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो जो ऑलरेडी वॉलमार्ट में है, तो उनको पता रहता है कि हाँ कैसे आंसर्स फिल आउट करने हैं. अच्छा ठीक है. अब चलो असेसमेंट तक हमने सारा प्रोसीजर ठीक तरह फॉलो कर लिया, सब कुछ ठीक है, रिज्यूमे भी ठीक है, असेसमेंट भी ठीक भर दी. कितनी देर में मुझे एक्सपेक्ट करनी चाहिए अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो, कब तक आ जाएगी मुझे इंटरव्यू कॉल? कुछ कह नहीं सकते. अगर आप वॉलमार्ट करियर्स के साइट पर आपका स्टेटस देखोगे तो आपको इंटरव्यू स्टेटस ही शो करेगा, लेकिन जब तक आपको ईमेल नहीं आता है ऑफिशियल ईमेल वॉलमार्ट की तरफ से, तब तक हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आया ऐसा हम समझ सकते हैं. तो इंटरव्यू कॉल अगर ऑफिशियली आता है मतलब walmart.ca से हमें मेल आएगा. अच्छा अच्छा अच्छा. नेमत, आपके साथ कितनी देर में, आपको कितनी देर में आया था इंटरव्यू कॉल? मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज लगे थे. असेसमेंट पूरी होने के बाद 20 दिन बाद आपको ईमेल आई थी, और तन्मय आपको? मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद. एक आपको एक हफ्ते बाद आ गई थी? एक वीक के बाद. इंटरव्यू में कुछ खास क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट जो होता है वो हमें कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करने को बोला जाता है पूरे वॉलमार्ट में से, कोई भी फूड आइटम्स को छोड़ के. अच्छा. तो उसमें हमको एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाई यू पिक्ड अप दिस प्रोडक्ट, why you picked up only this product. नेमत, आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? Yeah, it is like सब जगह सेम प्रोसीजर नहीं फॉलो होता, पर मेरे एक्चुअली 2 इंटरव्यू रह चुके हैं वॉलमार्ट के साथ. पहले मुझे कस्टमर सर्विस मैनेजर के लिए आया था इंटरव्यू कॉल, विच आई कुड नॉट क्रैक अप, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैनेजर के लिए था. अभी अभी कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पार्ट टाइम में तो वो अवेलेबल भी नहीं है पोजीशन मेरे ख्याल से. सो मैनेजर की पोस्ट आई थी, तो उसी के टाइम मेरे 3 राउंड हुए थे. पर जब सेकेंड पोस्ट आई कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस के लिए, तब सिर्फ एक ही राउंड था. ओके. पर जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें ऐसा होता है कि आप लोग को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना होता है. यू हैव टू पिक अप एनी प्रोडक्ट फ्रॉम वॉलमार्ट एंड देन एक्सप्लेन ऑन टू इट कि आप लोग ने क्यों स्पेसिफिकली वही प्रोडक्ट लिया. जैसे कि अगर तो आपने क्या उठाया था और आपने क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने मस्कारा उठाया था एंड आई एक्सप्लेन हाउ आई एम पैशनेट अबाउट मेकअप.
स्टफ एंड उसी के बारे में एक्सप्लेन किया था जो नेचुरली जो पता मतलब चलता है. दिल से हाँ, निकल दिल रहे हैं ना, क्योंकि वो चीज हायरिंग मैनेजर के साथ कनेक्ट भी करेगी कि हाँ बंदा दिल से बोल रहा है. आप लोग को ऐसे नहीं बोलना है जैसे कि आपको कुछ सेल करना है, नॉट दैट वे, बट जस्ट कि आप क्यों ये पिकअप करो, मे बी बिकॉज ऑफ पैशन. कुछ कुछ बच्चे हैं कि उन्होंने कैंडल भी उठा ली थी बिकॉज दे वॉन्टेड टू पोर्ट्रे कि यू नो उनका नेम मैच हो रहा था कैंडल से एंड दे वॉन्टेड टू पोर्ट्रे कि पीस है वो एंड हायर हुए. समथिंग लाइक हो सकता है. अच्छा तन्मय, आपने क्या उठाया था और आपकी एक्सप्लेनेशन? मैंने बहुत सिंपल सी चीज स्टिकी नोट्स उठाए थे, छोटे से स्टिकी नोट्स, और बोला था कि ये मुझे बहुत काम में आते हैं क्योंकि मैं कई बातें भूल जाता हूँ, तो उस पे लिख के मैं अगर कहाँ पे स्टिक कर दूँ तो वो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहता है. अब देखो टेक्निकली अगर सोचा जाए तो हो सकता है इस बेस पे, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज आती है कि अगर मैं ऐसे बोल दूंगा कि भूल जाता हूँ तो कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, लेकिन यहाँ देखो तन्मय बिल्कुल ऑनेस्ट था, वो चीज कनेक्ट की मैनेजर के साथ कि हाँ मैं भूल जाता हूँ इसलिए मुझे स्टिकी नोट्स चाहिए, क्योंकि उनको भी पता यार आप इंसान हो, आपको प्रोग्राम्ड आंसर्स नहीं देने, आपको कुछ रट के नहीं जाना, जो मन में आता है आप बोलो, नेचुरली बोलो. और इसने वो नेचुरली आंसर किया कि जी भूल जाता हूँ मुझे स्टिकी नोट्स चाहिए, तो उन्होंने बस देखा कि आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हो, अपने इमोशंस बात कर पाते हो, तो ठीक है जितना हो उतना स्पॉन्टेनियसली होगा तो अच्छा है, और ऐसे कुछ रट के नहीं जाना है, कुछ प्रिपेयर करके जाओगे तो उनको पता चल जाएगा, तो आप जितना स्पॉन्टेनियसली बोलोगे उतने अच्छे चांसेस. ठीक है ठीक है. सो ये फर्स्ट राउंड है. अच्छा ये इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड है. हाँ. ओके, तो इसमें जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो सेकंड राउंड तक जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे राउंड नहीं है, तीन राउंड. अच्छा, तीन राउंड सभी के होते हैं. ठीक है ठीक है. पर ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है कि थ्री राउंड होते ही है, कभी कभी सिर्फ एक राउंड होता है, और या तो कभी कभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पूछ ले. अच्छा, और उसकी बेसिस पे भी सिलेक्ट होता है. या उस बेसिस पे भी सिलेक्ट होता है. ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ अगर इंट्रोडक्शन पूछा तो आपको हायर नहीं करेंगे, देयर आर चांसेस कि आपको हायर कर भी सकते हैं उसमें. ठीक है, तो सेकंड राउंड में क्या होता है? सेकंड राउंड में एक हमें स्टोरी दी जाती है. इट इज बेसिकली ऑन एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जिसके बारे में स्टोरी बताते हैं, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हो कि Why you think कि ये एम्प्लॉय ठीक नहीं है हमारी कंपनी के लिए. अच्छा. तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर वो फोन पे बात कर रहा है तो क्यों नहीं करनी चाहिए, तो we just have to say कि वो एथिकल नहीं है, इट्स नॉट अ गुड जॉब. कि अगर आपको जिस टाइम के लिए आपको पे किया जा रहा है आप उस टाइम पे सर्विस दो अपनी. सो इट्स बेसिकली लाइक अ कस्टमर एक्सपीरियंस क्वेश्चंस होंगे सारे. अगर आप कैशियर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फुलफिलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस आपको भी सेम ही ऐसे क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन होंगे, और उसमें वही पूछा जाएगा कि जॉन जो है स्टोरी में, उस मतलब जो कैरेक्टर है स्टोरी में, उसने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस रिलेटेड कौन सी भूल की, और अगर उसके पोजीशन पे आप होते तो आप क्या करते. ठीक है ठीक है ठीक है. ये बेसिकली तो मतलब वो एथिक्स देख रहे हैं आपके. हाँ. कि आपको वो गलत लग रहा है, क्यों लग रहा है, आप क्या करते हैं, ऐसी चीजें बात करते हैं. वो थोड़े नेचुरल क्वेश्चन, मतलब नेचुरल आंसर देना होता है. हाँ, वो तो ऑब्वियसली नेचुरली देना होता है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रिपेयर करके जाने की जरूरत नहीं होती. अच्छा, तो ये बस सेकंड राउंड हो गया. थर्ड राउंड में क्या होता है? थर्ड राउंड में देयर इज अ प्रायोरिटी लिस्टिंग जिसमें आपको एक सिचुएशन दी होती है, मतलब देयर आर लिस्ट ऑफ सिचुएशंस, 10 सिचुएशंस होती है, पर आपका जो इंटरव्यू होगा तो वो वन टू वन टॉक नहीं होगा. देयर विल बी लाइक 5 or 10 पीपल जो साथ में होंगे आपके साथ इंटरव्यू में. सो वो सबको एक एक सिचुएशंस दे देंगे और आपको पूछेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. जैसे कि सपोज एक एसोसिएट है जिसने भूल से पिकल गिरा दिया है. सो द सेम टाइम अगर कोई कस्टमर हेल्प मांगने के लिए आता है तो what will you be doing? जैसे कि आप पहले कस्टमर को हेल्प करोगे या जो पिकल गिरा है वो साफ करोगे, सो दैट नो वन ट्रिप्स ऑफ. सो ये आपकी प्रायोरिटी हो गई. सो बेसिकली आपका जो आंसर होना चाहिए, सो इट विल बी लाइक कि अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करो या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, बट फॉर वॉलमार्ट और फॉर एनी अदर कंपनी इन कनाडा कस्टमर शुड बी द फर्स्ट. कस्टमर शुड बी द प्रायोरिटी के कहने का मतलब आपने अपने आप को ऐसा शो करना कि कस्टमर सेंट्रिक हो. आपको भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था? जी सेम ही होती है, प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है. क्या ऐसी सिचुएशन है जी, एक जगह ये गिर गया, एक जगह वो हो गया, प्रायोरिटी आप पहले किस चीज को दोगे? बस ये ध्यान रख लेना कि कस्टमर के हिसाब से आपको जो लगता है कि हाँ ये सही चीज है कस्टमर के लिए, उसको प्रायोरिटी दे. या और ऐसा है कि अगर पिकल गिर गया तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कस्टमर भी गिर सकता है पिकल पे. सो इट विल बी लाइक कि आप दूसरे एसोसिएट को बोलो कि कस्टमर को हेल्प कर दे, एंड देन यू विल बी द वन जो
पिकल भी सर्व कर रहे हैं, तो दोनों जगह से आप कस्टमर को हेल्प कर पा रहे हो। ठीक है ठीक है, तो इसमें टीम वर्क की कैपेबिलिटी भी चलती है आपसे। ऐसे भी क्वेश्चंस, ऐसे भी सिचुएशन दी जाती है कि अगर आप ऑन जॉब हो और आपको आपके फ्रेंड की या रूममेट के कॉल्स आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है, तो आप उसको अटेंड करोगे या नहीं करोगे? तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, नहीं करोगे तो बेसिक है। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब अपना दिमाग साथ लेके जाना है, इतना भी कोई हवा बनाने वाली बात नहीं है वॉलमार्ट का इंटरव्यू या वॉलमार्ट का हायरिंग प्रोसेस। आपको सिर्फ एथिकली सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है, वो सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सही इंसान हो, काम वगैरह कर लोगे, सिर्फ इतना है ना। एंड व्हेनेवर यू गिव द इंटरव्यू जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी कॉन्फिडेंट। ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तैयार तैयार होकर गए थे, फॉर्मल्स वगैरह डाल के गए थे इंटरव्यू को? जी हां, फॉर्मल्स डाल के गए थे। ठीक है, और स्माइल, कॉन्फिडेंस और अच्छे दिखना है, बिल्कुल अच्छे कपड़े डाल के नीटली वेल ग्रूम्ड जाना है। नॉट वेरी फॉर्मल, लड़कियों का इतना वेरी फॉर्मल होता भी नहीं, मतलब लड़कों को तो टाई वगैरह डालनी चाहिए कि नहीं? तो टाई डाल के क्या? नहीं, टाई डालने की कोई जरूरत नहीं, सेमी फॉर्मल ही रखना है। अच्छा, सेमी फॉर्मल, चलो ठीक है, डाल के जाएंगे तो भी ठीक है। तो सेमी फॉर्मल भी ठीक है, शर्ट पैंट वगैरह भी ठीक है? शर्ट और कैजुअल पैंट ठीक है, शर्ट कैजुअल पैंट अच्छे शूज ठीक है। और चलो, आप इंटरव्यू के तीनों राउंड्स दे आए हो, आपको पता कब लगता है कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया? अगर आपने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, जैसे एक दो दिन में आपको पता मेल आ जाएगी। और अगर आपको मेल नहीं आती तो यू कैन बी एक्सपेक्टिंग कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो, मोस्ट प्रोबेबली। आप इंटरव्यू देने के बाद आपको कितने दिन बाद आपको जॉब ऑफर आया था? 10 डेज। आपको कितने दिन बाद जॉब ऑफर आया था? मुझे अराउंड 2 डेज। 2 डेज के बाद आ गया, मतलब आपके केस में तो ऐसा था कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी वो ओवरनाइट फुलफिलमेंट वालों की। वो डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कौन सा है वॉलमार्ट का। अच्छा। वो भी कई जगह पे 1 वीक या 10 डेज भी ले लेते हैं डिसीजन देने में, और उसके बाद भी रिजेक्शन भी आता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई लोकेशन पे है वॉलमार्ट तो वहाँ पे जल्दी डिसीजन दे देते हैं। तो डिसीजन लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। और एक चीज भी बोलनी थी इसमें, ऐसा बोलना था कि जब हम लोग मतलब इंटरव्यू कॉल आती है, ओके, सो वी हैव टू सिलेक्ट द स्लॉट, तो वो स्लॉट ऐसे सिलेक्ट करो कि यू सिलेक्ट द फर्स्ट स्लॉट नॉट द थर्ड स्लॉट। थर्ड स्लॉट तक वो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट कर देते हैं। तीन या चार, तो अगर तीन से चार स्लॉट है तो मेक श्योर, अगर आपको कोई दूसरा काम है तो मेक श्योर कि वो पोस्टपोन कर दो। हाँ, पहले सबसे पहले वाले स्लॉट। तो ये भी जब आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ गई है तो जब स्लॉट्स बुक कराने के लिए आपको बोल रहे हैं, सबसे पहले वाला कर दो, क्योंकि जितना लेट करोगे चांसेस हैं कि उतनी देर में वो सब कुछ हायर कर लेंगे, आपका फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू ले लेंगे बस के आपको जरा। कभी कभी तो बोल भी देते हैं कि वी हैव ऑलरेडी हायर्ड। हाँ, तो सबसे पहले वाले स्लॉट्स बुक करो, आपके बाकी काम बाद में, पहले जॉब। तो अब आपको जॉब ऑफर आ गई, चलो सारा कुछ आपने प्रोसेस कर लिया, जॉब ऑफर आ गई, अब आगे उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे चाहिए होंगे आपके बारे में, वो उसका क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना होता है उनका। तो अगर ऑनलाइन भी होता है वो प्रोसेस, और मोस्टली सबको कैनेडा पोस्ट जाना ही पड़ता है। 10 में से 9 लोगों को कैनेडा पोस्ट ही जाना पड़ता है। अच्छा, कैनेडा पोस्ट क्यों जाना? आपको पासपोर्ट लेके जाना है, वो लोग वेरीफाई करेंगे आपकी पासपोर्ट की, या यू आर लाइक सपोज माय नेम इज नेमत, सो दे विल वेरीफाई कि हाँ नेमत है, और पूरा वेरीफाई करके आपको कंफर्मेशन दे देंगे। कंफर्मेशन कैनेडा पोस्ट वाले डायरेक्ट वॉलमार्ट को देते हैं, आपको देते हैं? नहीं नहीं, वॉलमार्ट सीधा वॉलमार्ट को भेज देते हैं आपकी आईडीज वगैरह लेके। इस आईडी पे कैनेडा पोस्ट में 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है और एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा पासपोर्ट है, और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा एड्रेस प्रूफ डालना पड़ता है। कोई भी, अगर जो भी हमारे पास एड्रेस प्रूफ है, आपके पास लीज है या आपका मोबाइल बिल है, जो भी है वो आप उनको शो कर सकते। एड्रेस वो, हाँ, सिन के नंबर पे भी तो लिखा ही होता है एड्रेस। अच्छा, तो ये सारा कुछ कर दिया, और उसके बाद जब जॉब कब शुरू होती है आपकी, उसके कितने दिनों के बाद जॉब शुरू होती है जब आपने सारा कुछ वेरीफाई करा दिया? वो डिपेंड करता है, क्योंकि काफी लोगों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो वेरीफाई करना होता है उसके लिए टाइम लग जाता है, किसी को 15 दिन लग जाते हैं, किसी को 1 मंथ भी लग जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों का 2 दिन में हो जाता है। 2 दिन में वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद जॉब शुरू हो जाती है? नहीं, उसके बाद आपको वापस सिलेक्ट करना पड़ता है, ओरिएंटेशन के लिए डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओरिएंटेशन होता है, उसके बाद CBLs होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग रहती है, उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी पेमेंट मिलती है। हाँ। अच्छा, तो मतलब ओरिएंटेशन के दिन आपकी टेक्निकली पेमेंट शुरू हो गई, तो जॉब शुरू हो गई है। तो ओरिएंटेशन कितने दिनों बाद? ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद हो जाता है। अच्छा, आपका भी ऐसा ही 4-5 दिन बाद हुआ था? बीच में चीज रह गई,
क्योंकि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के बाद दो फॉर्म्स भी आते हैं ऑनलाइन अच्छा वॉलमार्ट करियर्स पे, हमारे प्रोफाइल ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम स्टडी परमिट पे, यहाँ पे तो हमारी जो डिटेल्स है और हमारा सिन नंबर जो होता है वो पर्टिकुलर एक नंबर, एक सीरीज होती है उसमें, तो वो हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पे स्टडी परमिट पर है और अच्छा हमारा ये सिन नंबर है, और वो फॉर्म हमें फिलअप करना पड़ता है अच्छा 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 तो वो भी वेरीफाई होता है या बस ऑनलाइन हो जाता है ऑनलाइन, बस? चलो ऑनलाइन सिर्फ ठीक डालेंगे। है। हे यंसी, हाउ आर यू? या ठीक है। और अबे घंटों का क्या हिसाब है? ये क्वेश्चन भी मुझे पता है सभी के दिमाग में होएगा। 20 घंटे क्या आप पीछे से मिलते हैं? अगर नहीं मिलते तो क्या मेथड है कि आप 20 घंटे पूरे कर सकते हो वॉलमार्ट में? जैसे देर आर 3 टाइप्स, फ्लेक्सिबल भी होता है, पार्ट टाइम होता है और फुल टाइम होता है। तो फ्लेक्सिबल में वो लोग 0 to 20 hours देते हैं स्टूडेंट्स को। 0 to 20 hours देते हैं जी, फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम में। जी आपका हाँ। फ्लेक्सिबल है? नहीं, मेरा पार्ट टाइम है आपका प्रॉपर पार्ट टाइम है, तो जी। आपको मिनिमम उसपे कितने घंटे ऑफर मिलते लेटर हैं? में लिखा ही होता है कि मिनिमम वॉलमार्ट को आपको 12 hours पर वीक प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे, अच्छा तो अगर तो फ्लेक्सिबल लिखा है तो वो 0 भी दे सकते हैं, जी लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं हाँ लिखा तो आपको 12 घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे पर ठीक है ठीक है। तो अगर सपोज आपको 12 घंटे मिले हैं, या आपको चलो 7 या 8 घंटे मिले हफ्ते में, तो कोई मेथड है जिससे आप 20 किसी तरह पूरे कर लो? नहीं, जैसे अगर मैं ओवरनाइट फुलफिलमेंट की बात करूँ तो एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, तो हाँ उनको मिनिमम 2 शिफ्ट तो देनी ही पड़ती है, दे तो दो तो 16 आवर्स चलो की। आपका तो मतलब 16 तो पक्के ही जी है। और नियमित, मेरा क्योंकि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस में, तो आपको हो सकता है 8-8 घंटे की शिफ्ट ना मिले, तो कभी आपको अगर हफ्ते में कम घंटे मिले हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? सो उसमें ऐसा होता है कि वॉलमार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट टाइम में वर्क करते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्वॉप योर शिफ्ट और एल्स यू कैन गिव अवे योर शिफ्ट। ओके तो उसमें ऐसा रहता है कि सपोज मेरे को आज काम नहीं करना है और मुझे स्वॉप करनी है, तो मैं स्वॉप भी कर सकती हूँ। और बहुत सारे विलिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो गिव अवे करते हैं वॉलमार्ट के साथ, कहीं और भी काम कर रहे होते हैं, हाँ सो दे विल ठीक है। गिव अवे देयर शिफ्ट। और आप इजीली इसको पिकअप कर सकते हो, मैनेजर को लेटर डाल सकते हो, एंड देन यू कैन इजीली वर्क ऑन दैट इसके लिए फॉर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह एग्जाम्पल। बने होते हैं सभी या एम्प्लॉयज के, तो कहने का मतलब अगर आपके घंटे वॉलमार्ट में कम भी है तो आप बाकी इम्प्लॉयज के साथ चेंज करके, अगर यहाँ कोई आपको घंटे देने में विलिंग है तो देने के लिए विलिंग है, तो आप उसके घंटे लेके अपने 20 पूरे कर सकते हो। तो दैट्स इट। जितनी इन्फॉर्मेशन नेमत और तन्मय के पास थी, या जितना मुझे इनसे पता लगा था, हमने कोशिश की है कि सब कुछ आपको पता लगे, आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाओ कि यहाँ आते ही कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है वॉलमार्ट के थ्रू, बिग वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर है ये पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। सो दैट्स इट, आई होप इट हेल्प्स। सो सी यू तन्मय। थैंक यू नेमा, थैंक यू तन्मय, सो सी यू अराउंड। थैंक यू।